आज महल की छांव में पली दो बहनें। पिक्चर के लिए लेट हो रहा है। आ रही बाबा। चलो भैया। भैया दोनों तन से अलग और मन से एक। वो देख हंस के साथ कौवा बैठा। गाइस फिर से वेलकम है आप सभी का एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ विदाई सीरियल की शूटिंग लोकेशन का पार्ट 3। और दोस्तों बताना चाहूँगा इससे पहले भी मैं विदाई सीरियल के 2 एपिसोड की वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं विदाई सीरियल के शूटिंग लोकेशन के पार्ट 3 पर। और ये जो सीन है दोस्तों ये आगरा किले के पास लिया गया है, तो उसी लोकेशन को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और जो भी सीन है मैच कराने की कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में। और दोस्तों बताना चाहूँगा ये रूट देख रहे हैं आप मेरे पीछे दोस्तों, ये आगरा किले के पीछे कैसा है और इसी के पास में ही है वो जगह जहाँ पर इस सीन को शूट किया गया था, जैसे लाल किले के पीछे कैसा नज़र आता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ, जो भी सीन है दिखाऊँगा मैं आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को देखना लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों करते हैं बैक कैमरा ऑन, जो भी सीन है पीछे का और आगे का दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस अभी मैंने कर लिया बैक कैमरा ऑन और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ विदाई सीरियल की शूटिंग लोकेशन का पार्ट 3। और दोस्तों अब मैं उसी जगह के अंदर की ओर जा रहा हूँ यहाँ पर इस सीन को शूट किया गया था, जो कि यहाँ से आगरे किले का पीछे का हिस्सा नज़र आता है, तो इसी के आसपास का वो सीन है दोस्तों। और दोस्तों ये है ताजव्यू गार्डन जो कि फिलहाल अभी बंद है, तो आगे की ओर का वो सीन है दोस्तों। पूरा सारा कुछ मैच कराने की कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अब मैं आगे की ओर चलता हूँ, यहाँ से सीन साफ नज़र आता है, इसमें आगरा किले का पीछे का हिस्सा नज़र आता है। तो आगे की ओर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको जो भी सीन है। क्या आप सामने दोस्तों ये आगरा किला नज़र आ रहा है और दोस्तों ये सामने है ताजव्यू पार्क है। और दोस्तों इससे आगे जाएंगे तो यमुना नदी के पास हम पहुँच जाएंगे। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप रेती पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से पास में ही है यमुना नदी, यहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी और काफ़ी ज़्यादा जंगल टाइप का पड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहीं का वो सीन है, यहाँ से आगरा किला साफ नज़र आता है देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कोई पेड़ वेड़ वगैरह थे यहाँ पर वो खड़ी रहती है। तो आगे से जो भी सीन है मैच कराता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो इसी के आसपास का दोस्तों वो सीन है यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं वैसे तो, और सीन मैच होने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है शायद। तो देख लीजिए अब दोस्तों यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, और थोड़ा आगे चल के देखता हूँ मैं शायद सीन मैच कर जाए, तो सारा कुछ दिखाऊँगा आपको इस वीडियो में। तो आगे चलता हूँ देखता हूँ भाई आगे क्या, आगे तो नाला है ज़्यादा कुछ नहीं है। और दोस्तों यहीं का वो सीन है, यहाँ से पेड़ के पास वो खड़ी रहती है। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है किले का पीछे का, तो यहीं के आसपास का वो सीन है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ है तो दिक्कत हो रही है मैच करने में, तो यहीं से ही वो सीन लिया गया है दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको। तो देख लिया दोस्तों यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा जंगल टाइप का पड़ा हुआ है। तो गाइस इसी जगह पर विदाई सीरियल का एक सीन शूट हुआ था जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। और दोस्तों बताना चाहूँगा जो सीन है वो इसी के आसपास शूट हुआ है, तो यहाँ से हम आगे जा नहीं सकते, आगे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये पार्क वगैरह बंद है, क्योंकि आज लॉकडाउन है शनिवार का दिन है। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है देख सकते हैं आप, ये आगरा किले के पीछे का हिस्सा है, यहीं पर इस सीन को शूट किया गया था, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। यही वो जगह थी यहाँ पर इस सीन को शूट किया गया था, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो में। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।